नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT 5G versus Samsung Galaxy A52 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT 5G में 6.24 इंच जबकि Galaxy A52 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT 5G में 2.89 इंच जबकि Galaxy A52 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT 5G में 186 ग्राम जबकि Galaxy A52 में 189 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT 5G में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy A52 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT 5G में 85.92% जबकि Galaxy A52 में 84.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A52 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी A52 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और गैलेक्सी A52 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT 5G में Adreno 660 जबकि Galaxy A52 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT 5G में Qualcomm Snapdragon 888 और Galaxy A52 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT 5G में नहीं है जबकि Galaxy A52 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो GT 5G में 3 कलर्स जबकि Galaxy A52 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT 5G की 37,999 रुपीस जबकि Galaxy A52 की 24,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A52 की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
परफॉर्मेंस में GT 5G आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo EQ7 है जो कि 35,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 Legend है जो कि 39,990 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।